जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। आखिरकार बीपीएससी तैयारी 3.0 के रिजल्ट के बाद अब बारी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की और इनके नियुक्ति की। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा और क्या होगा, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट रखने हैं और इनके नियुक्ति की तारीख क्या होगी, और बीपीएससी तैयारी 3.0 में जिनका नहीं हुआ है क्या संभावना है, क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बीपीएससी तैयारी 4.0 में 1.5 लाख से अधिक पद है, तो इन 1.5 लाख से अधिक पदों की संभावना है दोस्त, बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं। पीछे की वीडियो में हमने इसको दिखाया भी था। सक्षमता परीक्षा 3.0 कब तक होगी, ये सारी जानकारी आज हम लोग देखेंगे। तो साथ ही जैसा कि आप जानते हैं, ये सक्षमता परीक्षा से जरूरी जुड़ी हुई, आप जानते हैं कि यहाँ पे जो न्यूज़पेपर में सारी चीजें आ गई है अगले पेपर की, जैसा कि आप सभी को पता है। यहाँ पर पहले बीपीएससी तैयारी 3.0 की बात कर लेते हैं। तो बीपीएससी तैयारी 3.0 जो 19/7/2024 से 22/7/2024 के बीच हुआ था, और ये जो पेपर हुआ था ये री एग्जाम था। इसके पेपर के लीक होने के बाद दोबारा हुआ था। इस पेपर पर एक तरह से देखा जाए तो ग्रहण लग गया था, लेकिन इस पेपर का रिजल्ट आ गया है। और इसके टोटल रिजल्ट आने के बाद आप जानते हैं 5000 से ऊपर सीटें इसमें खाली रही हैं। अभी केवल 1 से 5, 6 से 8 में, अभी 9 से 10, 11 से 12 का परिणाम अभी रुका हुआ है। तो आखिरकार इसमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे? स्कोर कार्ड चाहिए होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद एक सर्टिफिकेट आता है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा किए हैं। वो अभी कुछ दिनों के बाद लिंक आएगा जहां से आप अपलोड करेंगे अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन आईडी पासवर्ड से, फिर सर्टिफिकेट आपने पोस्ट करेंगे। आधार कार्ड चाहिए मोबाइल नंबर के साथ, वो आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड में वो मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपका एक्टिव हो, जिससे ओटीपी आए तो आप बता सके। अदरवाइज बहुत सारे लोगों के पास आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता है, तो ये करा लीजिए, अभी समय है। पैन कार्ड चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 4 में हो जाता है लेकिन 10 कॉपी रखिएगा। एडमिट कार्ड चाहिए, यानी री एग्जाम का एडमिट कार्ड चाहिए, ध्यान दीजिएगा, री एग्जाम का एडमिट कार्ड चाहिए। कुछ लोग आपको बताएंगे कि फॉर्म भरते समय का जो पीडीएफ है वो भी चाहिए, तो उसकी आवश्यकता तो नहीं रहती है, लेकिन अगर है तो ज्यादा बेहतर है। 10 से 12 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। 1 से 5 में अगर आप प्राइमरी में है तो डीएलएड का सर्टिफिकेट मार्कशीट चाहिए और सर्टिफिकेट चाहिए, साथ में सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई किए होंगे वो चाहिए। अगर अदर स्टेट के हैं तो 90 नंबर से ऊपर चाहिए, बिहार के हैं तो कैटेगरी वाइज आप पास होंगे तो ठीक है चलेगा। 6 से 8 वालों में ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ध्यान से देखिएगा। सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए या बीटेट आप पास हो, बीटेट वाले तो बचे नहीं है, तो सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए। बीएड और डीएलएड वाले, ध्यान दे, जो बीएड किया है उनका तो डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन डीएलएड वाले 6 से 8 कैसे एलिजिबल है समझ लें। अगर आपने पहले ग्रेजुएशन किया है फिर डीएलएड किया है तो आप एलिजिबल हैं, ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया है तो आप एलिजिबल हैं, ध्यान पे रखना है आपको। साथ में अगर साथ ही बात करते हैं, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, अगर आप बिहार के हैं तो निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए। साथ में जाति प्रमाण पत्र, अगर आप क्लेम कर रहे हैं नॉन क्रिमिलियर ओबीसी ईबीसी या आप ईडब्ल्यूएस के लिए, तो आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए। दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी चाहिए, साथ में यहां पर कुछ सूचना दी हुई है, ध्यान दीजिएगा, जो अदर स्टेट के हैं उनको जाति या निवास या जाति की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अदर स्टेट वाले इस बार यानी टीआरई 3.0 में जनरल कैटेगरी में आएंगे फीमेल के लिए भी। इसके पहले फीमेल जो थी 1.0 में, आप जानते हैं कि जनरल कैटेगरी के जगह पे वो फीमेल कैटेगरी से सीटें पाई हैं, लेकिन इस बार अगर अदर स्टेट की फीमेल की शादी बिहार में हुई है तो अदर स्टेट की निवासी है उसको बिहार का रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला। अदर स्टेट की फीमेल की शादी अगर बिहार में है तो नो रिजर्वेशन। अगर बिहार की लड़की है उसकी शादी अगर दूसरे स्टेट में हुआ है तो उसको रिजर्वेशन मिलेगा। बिहार की लड़की की शादी दिल्ली में हुआ हो, यूपी में हुआ हो, एमपी में हुआ हो, तो वो अगर अप्लाई की है टीआरई 3.0 में तो उसको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। यानी जो भी रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल लड़कियों के लिए है वो लाभ मिलेगा। साथ ही याद रखिएगा, मूल प्रमाण पत्र जितने भी हैं ओरिजिनल कॉपी अलग कर लीजिएगा, 2-3 सेट सारे के फोटोकॉपी आप लगा के पास में रख लीजिएगा, 2-3 फाइल बना के। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप सारे सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे तो बीपीएससी का वाटर मार्क डॉक्यूमेंट भी लेकर जाना होगा, इसका भी 1 सेट बना लीजिएगा। साथियों, इसके साथ हम आज के क्लास में यह भी चर्चा करेंगे कि सक्षमता परीक्षा 3.0 के एग्जाम के बारे में, 2.0 तक हो गया है। सक्षमता परीक्षा नियोजित शिक्षक को राज्य कर्मी का दर्जा देती है। 3.0 का नोटिफिकेशन जारी होना है 25 नवंबर को, ऑफिशियल न्यूज है।
आवेदन 26 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच होगा और इसका एग्जाम डेट भी 26 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच होगा। साथ ही जिन लोगों की प्रैक्टिस अभी नहीं हुई है ऑनलाइन मोड की, वो ऑनलाइन मोड की प्रैक्टिस कर लें क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन ही होगा। नोटिफिकेशन, आवेदन और एग्जाम डेट सक्षमता परीक्षा 3.0 की। और एक बहुत बड़ा न्यूज बता दें कि बीपीएससी तैयारी का 4.0 जिसमें 1.5 लाख से ऊपर पद आ रहे हैं, इसकी नोटिफिकेशन भी टीआरई 3.0 के नियुक्ति के बाद होगी, जो दिसंबर में पूरा नियत है, निश्चित है। उनके अगली साल ही बिहार में चुनाव है मार्च अप्रैल के करीब, उसके पहले ये टीआरई 4.0 आ जाएगा। आवेदन 20 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में संभावित है और एग्जाम डेट इसका 15 फरवरी से पहले हो जाएगा। 1.5 लाख पद है, इसमें कितने लोग नियुक्ति पा रहे हैं, कितनी सीटें खाली हो रही है, सारी जुड़ जाएंगी। 28,000 कंप्यूटर शिक्षक के अलावा पीछे के बचे हुए 35,000 वो भी शिक्षक जुड़ेंगे। तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी है बीपीएससी टीआरई 4.0, तो इसका इंतजार कीजिएगा। इस पूरे वीडियो को आप देख रहे थे टीचिंग बाय एमडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपके क्या विचार हैं, आपके अगर बीपीएससी टीआरई 3.0 में अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आप सभी को टीचिंग बाय एमडी क्लासेस का परिवार आप सभी को उज्ज्वल भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं देता है। जय हिंद, सभी को स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।